खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां नोएडा से गायब हुई युवती गोंडा में हुई बरामद। कल सुबह मॉर्निंग वॉक पर लड़की निकली थी और वहीं से उसका अपहरण हुआ था। इस तरह से मुकदमा पंजीकृत गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। हालांकि नोएडा पुलिस और सर्विलांस टीम गोंडा पुलिस के द्वारा लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं शासन ने इस कामयाबी पर गोंडा पुलिस को 1,00,000 रुपये व गौतम बुद्ध नगर पुलिस को 1,00,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में केस क्राइम नंबर 427/21 बादलपुर थाने के बारे में कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे, नोएडा पुलिस के द्वारा दिए गए थे। इसी इनपुट पे काम करने के लिए गोंडा में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली नगर की टीम, एसओजी सर्विलांस इत्यादि की टीम लगी हुई थी एवं ज्वाइंट कार्रवाई में गोंडा पुलिस एवं नोएडा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इस मुकदमे से संबंधित जो महिला है उनको सकुशल रिकवर करा लिया गया है। इस कार्य को कम समय में करने के लिए गोंडा पुलिस को भी शासन के द्वारा 1,00,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है एवं इसमें अन्य जो न्यायिक और विधिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है।